बैक टू पहाड़ से। और आज हम मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं और क्योंकि गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, लाइसेंस तो मेरा लर्निंग बन गया है। तो जैसे मैंने बताया था कि हम गाड़ी बुक करने गए थे संजय की, और गाड़ी आ गई है संजय की। अभी भावना बैठी हुई है स्टीयरिंग पे और वो अभी ड्राइव कर रही है, सीख रही है कैसे गाड़ी चलेगी करके। तो उसके बाद मेरा नंबर भी आएगा। संजय और हेमू ने चला ली है। तो मॉर्निंग का सामने हमारी दीदी और की सोसाइटी है बेस्टेक की, और इधर संजय और की नेक्सॉन चला रहे हैं मस्त। मॉर्निंग का इधर कबूतर देखो कितने सारे बैठे हुए हैं। तो सुबह का नज़ारा बहुत अद्भुत है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और लोग इधर काफ़ी घूम रहे हैं, ठंड भी है हल्की हल्की। तो ये सामने मेशो है इधर की साइड, और इधर अभी चल रहा है। और इधर ये भग्गू ड्राइव कर रही है, देखो वाह। तो ट्रेनिंग देने वाले उसके उस्ताद हैं अभी उमेश बाबू। उमेश सिखा रहा है गाड़ी चलाना। हेमू और संजय अंदर बैठे हुए हैं, मैं बाहर आके दिखा रहा हूँ। तो मैं भी हल्का हल्की जॉगिंग करूँगा इनके साथ, और आगे को बढ़ रहे हैं। मैं भी हल्का हल्का तेज अपने कदम बढ़ाते हुए चलूँगा। तो ठंड बहुत है बाहर, और मज़ा आ रहा है मॉर्निंग वॉक करने में। सुबह का नज़ारा ही अलग है, मतलब निकलना चाहिए मॉर्निंग वॉक पे। और ठंड भी है तो बॉडी में काफ़ी फुर्ती मेरे को महसूस हो रही है आज, क्योंकि मैं तो उठता ही 7 बजे हूँ। तो आज तो यह है कि मैं 6 बजे आ गया, क्योंकि उमेश ने बोला कि आए हुए हो सभी लोग तो गाड़ी चलाना तो सीखो। और हमने क्लास तो पहले ले ली थी, लर्निंग जो स्कूल वाले होते हैं ड्राइविंग लर्निंग वाले, और लाइसेंस भी मेरा लर्निंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हाथ साफ करना रह गया है ट्रैफिक में, बट अभी ट्रैफिक तो नहीं है क्योंकि अभी भावना का दूसरा दिन है गाड़ी चलाते चलाते। और संजय और हेमू लगभग मोस्टली ट्रेंड हुए हैं, और मैं भी फाइनल स्टेज पे चल रहा हूँ। इसके बाद ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट होते ही फिर हम मेन रोड पर गाड़ी चलाने लग जाएंगे। तो मॉर्निंग में सभी लोग काफ़ी अच्छा। भावना उधर पहुंच गई है, वो वहाँ जहाँ लाइट ब्लिंक कर रही है, दिखा रहा हूँ आपको। ये लोग बाग सुबह का काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। और सुबह के टाइम निकलने में क्या बढ़िया धुंधली धुंधली हवा, मतलब कोहरा भी लगा हुआ है। वाह, भावना गाड़ी लेके मेरे से काफ़ी आगे निकल चुकी है। मैं दौड़ते दौड़ते आ रहा था, हार्ट बीट थोड़ा तेज़ है, और मैंने कहा अब मैं नहीं पकड़ पाऊँगा, क्योंकि मुझे लगा कि भावना तो अभी लर्निंग में है, धीरे धीरे चलाएगी 10 की स्पीड से, 12 की 15 की स्पीड से। लेकिन वो तो मेरे को लग रहा 30 की स्पीड से ले गई। एक ही दिन में ट्रेंड हो गई यार वो तो। और चलो अच्छी बात है। और वो दिख भी नहीं रही, मैं दिखा रहा हूँ, वो देखिए दूर दूर तक कहीं भी भावना दिख नहीं रही है, कोहरा कोहरा नज़र आ रहा है। और इधर काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को ठंड में। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का भागूंगा मैं, जॉगिंग कर रहा हूँ हल्की हल्की, और मज़ा आ रहा है सुबह की जॉगिंग में। बट कैमरा हिल रहा है मेरा, स्टेबलाइजेशन इसमें कम है ये वाले मोबाइल में, क्योंकि मैं अक्सर उमेश के मोबाइल से ही रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो भावना के मोबाइल, आज मैं भावना के मोबाइल से कर रहा हूँ अभी। और मैं लाइन क्रॉस करके उस साइड तरफ जाऊंगा, इस तरफ की, क्योंकि भावना उस साइड से आएगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। और फिर मुझे गाड़ी चलानी है तो मैं आगे बैठूंगा फिर। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इधर के। ये देखिए मॉर्निंग टाइम है। पहले इधर सारी उपजाऊ खेती होती होगी, लेकिन आज सब डीएलएफ का इसका एरिया है सारा। सारे वहाँ पर सूरज आने वाला हो रहा है, 2 बिल्डिंग के बीच में से मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए अद्भुत नज़ारा है सुबह का। ये लोग वहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं सारे। लिए और मैं इस साइड आ गया हूँ रोड के। अब पहले मैं उस साइड था, उस तरफ। और आगे से भावना आ रही है गाड़ी लेके। ये देखिए मतलब मॉर्निंग का क्या अद्भुत नज़ारा है, इतनी अच्छी। हाँ हाँ, मज़ा आ गया यार। सुबह सुबह बाहर जॉगिंग करने आना चाहिए, और सुबह की ये साफ़ और स्वच्छ हवा का मज़ा लेना चाहिए। मैं आज आया, मज़ा आया मुझे काफ़ी। तो आगे से गाड़ी आ रही है, वो किसी और की है शायद। भावना की गाड़ी तो अभी दिख नहीं रही। इधर डीएलएफ का एरिया है सारा, इधर ये। और डीएलएफ वालों ने इधर का क्या सिस्टम है कि अगर आपको फ्लैट जैसे पैक फ्लैट होते हैं, दूसरे में इधर क्या प्लॉटिंग वाला सिस्टम है, 100 गज 200 गज 250 गज, तो आप प्लॉटिंग ख़रीद के भी यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा डीएलएफ का इधर अपना बना रखा है। और उमेश का तो मैंने तुमको दिखाया ही था कि उमेश का तो उसका है फ्लैट है, सोसाइटी फ्लैट। तो ये सुबह का अद्भुत नज़ारा। भावना कहाँ रह गए यार, मेरे को जाकर देखना चाहिए, बहुत देर हो गई आई नहीं अभी तक। हालांकि दूर लाइट तो दिख रही है मेरे को, हो सकता है कि यू टर्न में, अभी भावना का ये दूसरा दिन है तो यू टर्न में हो सकता है थोड़ा सा अभी हाथ क्लियर ना हो। आ रही है गाड़ी धीरे धीरे इधर को, बट हो जाएगा। उसके भाई बैठा हुआ उसमें, लाला भाई अच्छी ड्राइविंग सिखा रहा है। और संजय और हेमू की नेक्सॉन में गाड़ी सीख रहे हैं, तो फाइनली संजय और हेमू की भी गाड़ी आ गई है। और आप मेरे जितने भी मेरे भाई लोग हैं, यूट्यूबर भाई लोग हैं, सभी का प्यार रहा तो मिलता रहा ऐसे ही। तो जल्द ही आपके बैक टू पहाड़ के दीपू भाई की भी गाड़ी आ जाएगी। और फिर हम इस पहाड़ों की सैर करेंगे, पहाड़ों के नज़ारे देखेंगे। और कोशिश तो मेरी यही है कि जल्द से जल्द बैक टू पहाड़ जाया जाए। और मैं इस कोशिश के करते करते आगे कदम बढ़ा भी रहा हूँ। बैक टू पहाड़ जाने के लिए मेरा जो भी संघर्ष करना है मुझे, मैं लगा हुआ हूँ। काम कुछ ऐसा है कि मैं अभी क्या बताऊँ क्या दिखाऊँ, मेरा सिस्टम का वर्क ज़्यादा है। तो फिर मैं अभी सेटिंग कर रहा हूँ वहाँ जाने की, फिर वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट करेंगे जिससे हमारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। तो मॉर्निंग में काफ़ी मस्त नज़ारा, आहा ठंड, मज़ा आ गया। मुझे लाइट दिख रही है, वो भावना नेक्सॉन लेके आ रही है। और वो जो मैं दिखा रहा हूँ दूर आपको आ रही है गाड़ी शायद। तो भावना आ गई है फाइनली गाड़ी लेके, नेक्सॉन चलाते चलाते। और सही चला रही है, अभी खाली भी है, तभी हमने बोला कि प्रैक्टिस के लिए तो चला ले खाली खाली में। यहाँ पर ब्रेकर आएगा, देखते हैं ब्रेकर से कैसे मूव करती है भावना। वाह, परफेक्टली इसने गाड़ी निकाली है यहाँ से और सही चला रही है। उमेश भाई जल्दी सिखा देंगे। और साइड लगा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं अब बैठूँगा उसमें, तो शायद मेरे लिए गाड़ी रोक रहे होंगे या ले जा रहे हैं। वो ले जा रहे हैं, मुझे भागना पड़ेगा। नहीं, रोक ली है तो मैं आगे चलता हूँ अब और बैठता हूँ सीट पे, प्रैक्टिस करता हूँ मैं अभी। पूरा इनका स्टेयरिंग काफ़ी स्मूथ है। अरे नहीं गाड़ी है ना, सब मतलब सॉफ्ट है बिल्कुल ही। स्टीयरिंग तो वही है, मतलब जो पुरानी आती है तो किसी में कोई गाड़ी ही होती है। पूरा इधर ये अंकल तो ऐसे घुमा रहा हूं, तो बहुत जगह है। मैं तो इसके हिसाब से ले रहा हूं। अब हल्की स्पीड पे यहां पर क्या कहते हैं, हल्की सी स्पीड रोड के हिसाब से। रोड ये खत्म करने के लिए हां, इसको इस कॉर्नर में रखो और ये वाइट लाइन के आसपास लेके आओ, इधर लेके इधर रखो दिखा खाली जगह। घुमा लो भाई, स्पीड छोड़ दो, घुमा दो पूरा वो स्पीड हल्की कर दी। नहीं पर घुमा, देखो आप यहाँ रुके थे। हाँ वो रुको मत ना, यू टर्न में जब खाली है तुम मारो, क्योंकि आपको इस रोड पे आना ही नहीं, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। ये दीपू भाई गाड़ी चला रहे हैं, ये आए हैं दीपू भाई चला रहे हैं। ये देखो ये दीपू भाई चला रहे गाड़ी। तो ये देखो सब टीम, बैक टू पहाड़ की टीम और दीपू भाई चला रहे हैं। वीडियो काफ़ी मज़ा आया और गाड़ी चला के फिर से दोबारा से तो हमारे उस्ताद उमेश भाई जो सिखा रहे हैं हमें, मज़ा आ गया। करी मैंने और काफ़ी मज़ा आया, लगभग सीख गया हूँ मैं अभी। अभी फाइनल टच रह गया मेरे। आ गए हैं संजय, इधर अदरक लेने गया है चाय का। सुबह का सूरज निकल गया, कितना सुंदर सूरज निकला है देखिए, और क्या अद्भुत। इधर पीछे की मैं दिखाऊं तो इधर सरसों कितनी अच्छी हो रही है। तो मॉर्निंग में इधर माँ बच्चा प्यार दुलारते हुए, जय गौ माता की। तो ये था हमारा मॉर्निंग का आज की अपडेट, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा। उधर हो रही है सरसों, वो हाँ उस साइड सरसों हो रही है। इधर देखो पीछे मैं दिखा रहा हूँ जो। तो संजय आ गया है और हम अब अंदर को जा रहे हैं। ये इनका मेन अभी एंट्रेंस हाल फिलहाल वाला है, वैसे बाकी इनका चेंज होगा, पीछे की साइड है तो मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था। ये बैक साइड है, ये बैक साइड है। तो यहाँ से हम मैशियो में अंदर पहुँच गए हैं हम। यो लगी हुई है, ये रेजिडेंस वाले लाइन में गए हम। सिक्योरिटी भैया बोले तो B804 में है अभी, वो लगी नहीं है ना, तो हमने अभी वो लगाया नहीं है। हेमू ने मस्त गाड़ी चलाई आज, अब हेमू भी ट्रेंड हो गई है। और भावना का तो मैंने दिखाया ही था, मैं 10 की उम्मीद कर रहा था, 20 पे लेके भाग गई और मेरे को भागना पड़ा काफ़ी। तो फैमिली ने काफ़ी इन्जॉय करी, ड्राइविंग सीखी, क्योंकि ये ज़रूरी भी है सिटी में अगर रहना है। पर हमें तो बैक टू पहाड़ जाना है तो वहाँ भी हमें गाड़ी रखनी है, तो वहाँ भी चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार देते रहिए आपके अपने दीपू भाई को, क्योंकि आप ही का अपना चैनल है बैक टू पहाड़। एंटरटेनमेंट करते रहिए, इसमें मज़े लेते रहिए और कुछ सुझाव भी देते रहिए कि मुझे क्या क्या आगे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ताकि मेरी ब्लॉगिंग भी अच्छी हो और आपको भी मज़ा आए। तो बाय, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड। आपका अपना दीपू भाई बैक टू पहाड़ से।